नमस्कार, मैं न्यून सोजे फिर से आप सभी को एक बार आर्णभूमि समाचार में स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं कलकत्ता पहुंचे हुए हैं, जो कि पश्चिम कमेंग जिले के अंतर्गत आते हैं। आप सभी को पता है कि एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है समाज में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण यानी कि रोल निभाते हैं, यानी कि भूमिका निभाते हैं। शिक्षा से ही हम अपना जो पीढ़ियों जो अपना जो भविष्य का जिंदगी यानी कि लाइफ को यहाँ तय करते हैं। ऐसे में आज यहाँ जो जारी वर्कर सोसाइटी है, जो कि यहाँ का बहुत ही एक्टिव एनजीओस में से है, उनके माध्यम यहाँ एक क्विज कंपटीशन रखा गया है, जिसे इंटर मिडिल स्कूल क्विज कंपटीशन के नाम से जाने जाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से यहाँ की जो कलकत्ता की जो छात्र है जो अभी पढ़ रहे हैं, उनके दिल में एक इंकरेजमेंट, उनका इंकरेजमेंट देने के लिए यानी कि जो एजुकेशन जो शिक्षा का महत्व को उनको बताने के लिए उस बात को पूरी ध्यान देते हुए यहाँ जो जारी वर्कर सोसाइटी की ओर से बहुत अच्छे यहाँ कार्यक्रम रखा जा रहा है। और ऐसा कार्यक्रम जो है हमारे अरुणाचल के हर क्षेत्र के लोग इस तरह से कार्यक्रम रखना चाहिए, ताकि हमारा जो आने वाला जो भविष्य है, आने वाला जो स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, वो अपना लक्ष्य ना भटकाए। जैसे कि आप सभी को पता है कि आज समाज में जो यंग जनरेशन है यानी कि जो यंगर जनरेशन है, एक बहुत बड़ा एक समस्या बना हुआ है, जैसे कि ड्रग्स एडिक्शन जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम बना हुआ है। इन सारी चीज़ों से अपना माइंड को डाइवर्ट करके यानी कि एजुकेशन में किस तरह से हमको फोकस करना है, शिक्षा में किस तरह से हमको फोकस करना है, इस बात को पूरी ध्यान देते हुए यहाँ जो जारी वर्कर सोसाइटी की ओर से यहाँ बहुत एक अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। देख रेख में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है वो है दुर्जी वांगचू जारी, जो कि ऑल वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनियन का भी वो एजुकेशन सेक्रेटरी है। यानी कि आज इस कार्यक्रम को उनके देखरेख में यानी कि उनके अध्यक्षता में इस कार्यक्रम को यहाँ आयोजित किया जा रहा है। Today's chief guest, Sri Tase Wangchu, GPM Narbun, who is guest of honor, Sri Koncho Tampel, President Kelantan Chopao Council. Chairman of Jari Welfare Society and being the chairman of Intermediate School Quiz Competition. हमारा जो क्विज कंपटीशन रखने का मकसद यही है कि बच्चों को हम मोटिवेट कर पाए, एंकरेज कर पाए और किस नॉलेज के अलावा हम एक जनरल नॉलेज भी दे पाए। उसके माध्यम से आज हमारा जो जारी वेलफेयर सोसाइटी ने जो इनिशिएट करके हमारा जो ये आज कंक्लूड हुआ है, उसके लिए मैं थैंक यू कहना चाहूँगा। आई हैव सीन क्विज कंपटीशन कंडक्टेड इन सच ए मैनर इन दिस कलकत्ता एरिया। I appreciate the Jari Welfare Society, student unions and all the leaders who are responsible for the conduct of today's quiz competition. Jari Welfare Society ko, aapko team ko bahut dhanyavad kehna chahunga. Ye program खाली यहाँ तक नहीं है, बल्कि और आगे में भी जितना हमारा यहाँ मिडिल स्कूल है, तो इसी तरह जाके उनको और कंपटीशन देना चाहिए। ये बहुत अच्छा बात है। तो ऐसा करके खाली एक ही गांव नहीं, बल्कि और हमारा यहाँ इतना गांव है, हर गांव में अपना एक सोसाइटी है, अपना एक जातिबाजी है, तो वो सब भी ऐसे उसको एग्जाम्पल लेते हुए
हम सब अगर मिलके इसी तरह करेगा तो ये हमारा खलकता जरूर आगे जाएगा। समाज जो है थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि लोग हमारे ड्रग्स में काफ़ी इंक्लाइन हो रहा है। तो ये जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सही समय में ऐसा उन्होंने आपका जारी वेलफेयर सोसाइटी ने किया है, लोगों का आँखें खोल दिया। क्योंकि ये चीज़ जो है एक प्लेटफॉर्म उन्होंने दिया है कि लोगों को पूरा स्कूल पूरा बच्चे लोग को एक साथ बैठ के इस कंपटीशन जो एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो जीतना हारना जीतना ये तो एक ज़िंदगी का एक पार्ट है, गेम है, गेम का पार्ट है। तो लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे ताकि हमारे यूथ जो है सही जगह में सही दिशा में आगे फ्यूचर में चले। इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज जो कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रहा है यानी जारी वेलफेयर सोसाइटी। तो इस वक्त मेरे साथ करा है जो इस जो संगठन यानी कि जारी वेलफेयर सोसाइटी का जो अध्यक्ष है, मैं सबसे पहले आपका स्वागत करता हूँ दुर्जी वांगचू जारी जी, आपका स्वागत करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप सभी बता दूँ ये दुर्जी जी जो है हमारा ऑल वेस्ट कमिंग डिस्ट्रिक्ट यूनियन के वो एजुकेशन सेक्रेटरी भी है। सबसे पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूँगा टीम अरुण भूमि को फॉर कवरिंग दिस ऑल इवेंट इंटरमीडिएट स्कूल कुछ कॉम्पिटिशन। हमारा जो है सोसाइटी का ये मोटिव है कि बच्चों को मोटिवेट करना, एंकरेज करना एंड टू फाइंड आउट द हिडन टैलेंट्स, किस नॉलेज के अलावा हमारा जनरल नॉलेज भी हम लोग प्रोवाइड करना। इस तरह का अगर प्रोग्राम हम लोग करता रहेगा तो क्या होगा, बच्चों में उत्सुकता पैदा होगा कि किस नॉलेज के अलावा जनरल नॉलेज में भी ध्यान जाने का। हमारा मकसद तो यही है कि बच्चों को मोटिवेट करें। ये जारी वेलफेयर सोसाइटी जो है जिस तरह से आज आपने कुछ कंपटीशन यहाँ रखा है, इसके अलावा आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं पूरे समाज के? देखिए हमारा जो जारी वेलफेयर सोसाइटी बहुत छोटा सोसाइटी है, फिर भी हम लोग तूफानी से कम नहीं है। सिंस 2022 में वी हैड डिस्ट्रीब्यूटेड डस्टबिन, चार्ट मैप, देन डिक्शनरी टू द गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल क्लास्टर जो हमारा लोन हायर सेकेंडरी है। एंड 2023 में हमारा आज का दिन में हम लोग कुछ कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। तो हमारा जो सोसाइटी है वो एजुकेशन फील्ड में काफ़ी सीरियस है, चाहे वो क्विज हो, चाहे लिटरेरी एक्टिविटी हो, चाहे जो भी सेक्टर में हो। सबसे जो है मेन जो हमारा बेसिक जो है वो एजुकेशन जो रूट ठीक होना पड़ेगा, तभी जाके हमारा सोसाइटी में बदलाव आएगा। सोसाइटी में बदलाव आएगा तो देश में बदलाव आएगा, तो ऐसे ही उन्नति करेगा। तो हमारा जो है सभी मेम्बर्स जो ज़्यादातर हमारा एजुकेशन फील्ड में काम करना चाहते हैं।